अब इस सेक्शन में हम ए सेक्चुअल रिप्रोडक्शन के ही कुछ और मेथड्स को डील करेंगे वो मेथड कौन से हैं वो बडिंग है स्पोर फॉर्मेशन एंड पार्थिनोजेनेसिस। इन तीनों को हम वन बाय वन स्टडी करेंगे तो सबसे पहले आ जाती है हमारे पास बडिंग अब बडिंग क्या है बडिंग को अगर हम प्रिसाइज uh, वर्ड्स में बताएं तो बडिंग होती इस तरह से है दैट अ बर्ड डिवेलप एज अ स्मॉल आउट ग्रोथ ऑन पेरेंट्स बॉडी द न्यूक्लियस ऑफ सेल डिवाइड्स एंड वन ऑफ़ द डॉटर न्यूक्लिया इज़ पास इन टू द बड अब अगर यही बात मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊँ तो ऐसा होता है कि जो पेरेंट बॉडी होती है कुछ भी हो सकती है वो मैं आपको बताऊँगी बाद में कि कहाँ कहाँ होती है या किस ऑर्गेनिजम में हो रही होती है उस पेरेंट बॉडी के ऊपर एक छोटी सी ग्रोथ बनना शुरू हो जाती है अब वो ग्रोथ जो है उसने लेटर ऑन जाके एक न्यू ऑर्गेनिज्म बनना होता है यानी एक डिफरेंट टोटली डिफरेंट इंडिविजुअल बन जाना होता है लेकिन उस ग्रोथ के पास जो जेनेटिक मटेरियल है वो कहाँ से आता है वो पेरेंट के न्यूक्लियस से आता है जब बडिंग हो रही होती है जब बर्ड जो हैं वो ग्रो कर रही होती हैं पेरेंट की बॉडी पे, तो उस टाइम पे उसका जो न्यूक्लियाई है वो बड़ा के थोड़े डिफरेंट छोटे फ्रेगमेंट्स बना देता है यानी डिफरेंट मल्टीपल न्यूक्लिया बना देता है उनमें से जो कुछ न्यूक्लिया हैं वो जो बर्ड में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब वो बर्ड मेच्योर होती है तो वो पेरेंट बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाती है और वो एक ऑर्गेनिज्म ख़ुद का अलग बन जाती है उसके बाद जो जेनेटिक मटीरियल है वो भी पेरेंट्स से एज इट इज़ एग्जैक्टली आ जाता है अब बडिंग जो है उसकी एक सबसे कॉमन एग्जाम्पल है यीस्ट यीस्ट में बडिंग हो रही होती है और यीस्ट में बडिंग इसी तरह से होती है कि यीस्ट का अगर हम एक पेरेंट सेल को देखें यस्ट सेल को देखें तो एक सेल है और उसके अंदर न्यूक्लियस है उसके ऊपर एक बर्ड बनना शुरू होती है बर्ड के पास जो है वो साइटोप्लाज्म भी जाता है पेरेंट सेल में से ही और जो न्यूक्लिया है वो भी पेरेंट सेल से ही जा रहा होता है और अब ऐसा भी ज़रूरी नहीं है कि पेरेंट सेल के ऊपर सिर्फ एक बर्ड बने ऐसा नहीं होता एक टाइम पे मल्टीपल बर्ड्स भी बनी होती हैं और कई दफ़े ऐसे होता है कि उन बर्ड्स के आगे फर्दर बर्ड्स भी डेवलप हो जाती हैं वायल दैट बर्ड इज स्टिल अटैच टू द पेरेंट बॉडी यीस्ट इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल है एक ऑर्गेनिज्म है हाइड्रा हाइड्रा के अंदर भी बडिंग हो रही होती है और इसके अलावा कुछ एनिमल्स जो कि स्पॉन्जेज हैं और कोरल्स हैं वो भी बडिंग के मेथड को यूज़ करते हुए रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं हाइड्रा में जो बडिंग होती है उसकी बॉडी एक सिलेंड्रिकल सी बॉडी है और उसके ऊपर कुछ टेंटिकल से बने होते हैं उसमें भी पेरेंट बॉडी की जो बिल्कुल बेस होती है ज़्यादातर वहीं पे आ, जो है एक बर्ड डेवलप होना शुरू हो जाती है और वो बर्ड उसी तरह एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म बन जाती है वैन इट मेच्योर एंड इट गेट्स ऑल द जेनेटिक मटीरियल एंड द साइटोप्लाज्म फ्रॉम द पेरेंट दैट इज़ ट्रांसफर्ड टू दैट न्यू बर्ड और इस तरह से हाइड्रा रिप्रोड्यूस करते हैं उसके अलावा उससे नेक्स्ट जो बात आ जाती है जो नेक्स्ट मेथड है दैट इज स्पोर फॉर्मेशन अब स्पोर फॉर्मेशन क्या है वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी और वो एग्जांपल क्या है राइजोपस राइजोपस क्या है राइजोपस एक फंगस है और वो ग्रो करती है यूजली ये जो ब्रेड मोल्ड भी हम उसे कहते हैं कॉमन लैंग्वेज में जो ब्रेड ख़राब होने के करीब होती है उसके ऊपर जो फंगस ग्रो कर रही होती है उसे हम राइजोपस कहते हैं राइजोपस का क्या है कि राइजोपस जब अपनी रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचती है तो उसकी बॉडी जो है वो क्या करती है कि उसके बॉडी से एक थिक वॉर्ड स्पोर सैक बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्पोरेंजिया अब स्पोरेंजिया क्या है कि हर स्पोरेंजियम के अंदर एक सेल जो है वो डिवाइड करता है मेनी टाइम्स यानी सेवरल डिविजन्स होती हैं उस सेल की और वो क्या करते हैं वो मल्टीपल डॉटर सेल्स बना लेते हैं और उन डॉटर सेल्स को हम क्या कह रहे होते हैं स्पोर्ट्स अब स्पोर्ट्स जो हैं अब वो स्पोर्स जो हैं वो क्या करते हैं वो आगे जाके वो, वो डिस्पर्स हो जाते हैं और वो जाके किसी और सरफेस पे लैंड करते हैं सरफेस पे लैंड करते हैं वो वहाँ पे एक और राइज की ग्रोथ शुरू हो जाती है इसी तरह अगर आप ब्रेड को भी देखें जो ख़राब होती हुई ब्रेड है तो उसके ऊपर भी जो ग्रीन ग्रीन सी आपको ब्राउनिश सी ग्रोथ नज़र आ रही होती है वो डिफरेंट स्पॉट्स की फॉर्म में होती है कि पहले एक जगह पर वो ग्रो करना शुरू करते हैं फिर उससे ब्रेड के डिफरेंट पोर्शन तक वो चीज़ जो है वो पहुँचती चली जाती है वो और वो इसी तरह होता है कि वो जो स्पोर्स हैं वो जो दूसरी जगहों पे लैंड करते हैं और वहाँ पे भी ग्रोथ शुरू हो जाती है राइजोप के अलावा कुछ और भी ऑर्गेनिजम्स हैं जो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं अब ये जो बैक्टीरियल स्पोर्स होते हैं ये बहुत ही थिक वॉल्ड होते हैं और ये बनते कैसे हैं ये बैक्टीरिया के अंदर ही बन रहे होते हैं बैक्टीरिया सेल के अंदर ही एक जो है वो स्पोर एक थिक सी वॉल प्रोड्यूस हो जाती है जब वो प्रोड्यूस हो जाती है मेच्योर हो जाता है तो उसके बाद जो आउटर वॉल होती है वो डिसइंटीग्रेट हो जाती है और जो वो एंडोस्पोर कहते हैं हम उस पूरे स्ट्रक्चर को वो जो थिक वॉल का स्ट्रक्चर बना होता है और उसके अंदर जो बैक्टीरिया होता है वो यूजली डॉर्मेंट फॉर्म में होता है यानी उस फॉर्म में होता है कि वहाँ पर वो ग्रो नहीं कर रहा उस बैक्टीरिया को जैसे ही फेवरेबल या अच्छी ग्रोथ इन्वायरमेंट मिलती है तो वो दोबारा से उस स्पोर से दोबारा एक लाइव ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टेट में आ जाता है नेक्स्ट जो मेथड है रिप्रोडक्शन का ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन का उसे हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस अब पार्थिनोजेनेसिस को अगर हम डिफाइन करें तो होता ये है कि एन अनफर्टिलाइज एग डिवेलप इन टू न्यू ऑसप्रिंग यानी कि एक ऐसा एग जो कि फर्टिलाइज़ नहीं किया गया जो कि किसी मेल ने उसको फर्टिलाइज़ नहीं किया वो एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए अब कुछ फिशेस हैं कुछ फ्रॉग्स हैं कुछ कीड़े मकोड़े हैं जो इस पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू जो है वो रिप्रोड्यूस कह रहे होते हैं उसमें से एक बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है हमारे पास वो है मक्खियों की यानी बीज की अब होता यह है कि जो क्वीन बी है वो क्या करती है वो बहुत ढेर सारे अंडे जो हैं वो देती है वो एक पर्टिकुलर जगह पे अपने छत्ते में जाके वहाँ पे जो उसी छत्ते के अंदर जो मेल होते हैं उन्हें ड्रोनस कहा जाता है उनका जो काम होता है कि उन्होंने जाके उन एग्स को फर्टिलाइज़ करना होता है अब वो डोस जो हैं उन एग्स को फर्टिलाइज़ करते हैं वो फर्टिलाइज़ कर देते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे मौजूद सारे के सारे जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज हो गए हों बहुत सारे एग्स जो हैं उसमें से वो अनफर्टिलाइज रह जाते हैं जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो क्या होते हैं कि वो फीमेल बीज में कन्वर्ट हो जाते हैं यानी दे ग्रो अप टू तो बी फीमेल बीज एंड क्वीन क्वीन भी उन्हीं में से निकलती है और जो अनफर्टिलाइज एग होते हैं वो उनके वो हैप्लॉयड होते हैं उनके पास हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम और हाफ जेनेटिक इंफॉमेशन होती है वो जो जिस ऑर्गेनिज्म में डेवलप होते हैं वो ड्रोन्स होते हैं यानी वो मेल्स में डेवलप हो जाते हैं और इसी तरह से जो ये पूरा एक स्ट्रक्चर होता है एक बी हाइव का कि क्वीन बी और जो वर्कर बीज होती हैं वो फीमेल होती हैं और ड्रोन्स जो होते हैं वो मेल होते हैं और ड्रोन्स जो हैं वो पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू पैदा होते हैं ए सक्चुअल रिप्रोडक्शन का एक और मेथड जो है वो वेजिटेटिव प्रोबिगेशन भी है अब वेजिटेटिव प्रोबिगेशन को अगर हम डिफाइन करें तो हम ऐसे करेंगे विन वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट दैट इज रूट स्टेम्स और लीव्स गिव राइज टू न्यू प्लांट्स द प्रोसेस इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोबिगेशन और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं तो प्लांट के वो पार्ट्स यानी कि उसके लीव्स उसके स्टेम्स या उसकी रूट्स जब एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाए एक नए ट्री या एक नए पौधे में डेवलप हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव